इनका घर का सिर्फ ढलाई हो जाए बस यही चिंता है। ये बारिश का टाइम है, मुझे देख के अफसोस हो रहा है। तो मतलब इनका कोई लड़का लड़की नहीं है? नहीं है सर, अकेले रहती है घर में। तो देखिए घर का कंडीशन देखें, पूरा टूट फूट गया है, एकदम हालत खराब है। सोते कहाँ है, कहाँ अपना बिस्तर लगाते हैं, नीचे में। हेलो नमस्ते आदाब, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से एक बार झारखंड के वादियों में हूं और आज मैं जो गांव आया हूं, इस गांव का नाम है धवना और ये जामताड़ा जिले का अंतर्गत ये गांव आता है। तो आइए देखते हैं इस गांव की हालत कंडीशन क्या है और क्या नहीं, चलिए। कौन सा मंदिर है ये? ये मंदिर है जिसको बोलते हैं संथाल से, ये झारखंड से जो पूजा होता है, झारखंड में पूजा होता है। तो पूजा मतलब होता है, देवी माता का मंदिर है ये, झारखंड बोल के पूजा के नाम पर इसी पूजा का मजीथान होता है। मजीथान? हाँ, अच्छा मजीथान बाबा है। मजीथान बाबा है। अच्छा अच्छा, ये घर को भी देखें, ये कितने अच्छे तरीके से ये फिनिशिंग दिए हैं मिट्टी के कलर से। ये बॉर्डर लाइन जो बनाए हैं उभरा हुआ, ये भी मिट्टी से काट कर बनाए हैं, ये भी डिज़ाइन दिए हैं। ये गड्ढा है यहाँ, ऐसे वाइट कलर दिए हैं लेकिन ये थोड़ा गड्ढा टाइप का बनाया है। ये लोग का टाइम आता है बांधना बोल के, बहुत बड़ा जब त्यौहार आता है तो घर को बहुत ही अच्छे तरह से मिट्टी से रंगाई करते हैं, वो दिसंबर में आते हैं। लेकिन ये घर को देखें, ये देखिए जोहार लिखा हुआ है, मतलब स्वागत है आपका। तो ये मिट्टी से काट के इस तरह लिखा गया है, पेंट किया गया है। ये अपने घर के लोग जो सदस्य हैं वही लोग ये सब काम करते हैं, ये डिज़ाइन बनाते हैं। जोहार दीदी, कैसे हैं? बढ़िया। दादा कैसे हैं? इधर देखिए, बढ़िया। इधर देखिए सर, गरीब आदमी ये सर रहते झोपड़ी आपको। और इधर देखें, ये कपड़े लदे हुए हैं, सूखने दिए हैं। और इस घर को भी देखें, ये कितने अच्छे तरीके से उनको फूलों को डिज़ाइन दिया है। मिट्टी के घर में ऊपर टाली चढ़ा हुआ है और ये साइड में चाल निकाला, ये पॉल का है। ये दुकान है आपका? मेरा तो नहीं है। यहाँ गांव में एक दुकान बना हुआ है जो राशन खरीदते हैं। दीदी क्या ला रही हैं, पानी? आपके घर में और कोई नहीं है, आप इस हालत में पानी लाते हैं? नहीं है। चलिए, ये भाई साहब अपना घर दिखा रहे हैं। क्या क्या काम हो रहा है? ये सब सर थोड़ा टूटा फूटा है, ये करते हैं, चाल का रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए जी, इनका चाल जो है पुआल का वो खराब हो गया है। ये बारिश में खराब हो गया था क्या? हाँ सर, बारिश में धस गया कुछ थोड़ा हो गया। अच्छा, और इधर इनके घर हैं। यहाँ देखिए कितने सारे बतख पाले हुए हैं। और हम अब पीछे की तो और जा रहे हैं, ये घर था और इनके घर के पीछे ये देखें इस तरह कुछ है। ये आप ही का पूरा बाउंड्री है क्या? हाँ सर, ये आप ही का है ना? हाँ। अच्छा, हम बैगन वगन लगाते हैं अभी, और पानी के चलते नहीं अभी बना पाए हैं, अभी हॉल नहीं जोते हैं। अच्छा, पानी के चलते, अभी बारिश आएगा तब लगाइएगा ना? हाँ सर, लगाएंगे। हाँ, इधर देखिए पपीता का पेड़ है। और आपका आवास किधर, कदर किधर बनाए? ये सब ये सर हमने ही। अच्छा, ये अपने से बनाए थे, उधर आवास। ये आवास सरकार की तरफ से मिला था? सरकार की तरफ। अच्छा, तो ढलाई वलाई हो गया है? हाँ सर, हो गया है ढलाई, हो गया ना। हाँ, ये भी अपने से बनाए थे ना, सरकार दिया ना? था ना सर, ये अपने से बनाए, अपने से बनाए थे। हाँ। अच्छा जी, और देखें कुआं में पानी है। अच्छा, बारिश कम है। चलिए, ये देखिए जी, इधर फूल का एक झाड़ लगा हुआ है। ये क्या, इसको फूल बोलते हैं? इसको गुलाब फूल बोलते हैं? नहीं नहीं, गुलाब नहीं, इनको चमेली नहीं, क्या बोलते हैं? ये काली पूजा में लगता है। हाँ, क्या चमेली नहीं, क्या फूल बोलते हैं। हाँ, और ये घर को देखें, इसका कंडीशन ये पूरा फट गया है। और उनका अंदर का भी ये घर देखें, वो पूरा चाल पूरा नीचे हो गया, वो बारिश में धस गया। और जो टाली चढ़ाते हैं ना, वो बाँस लकड़ी जो रहते हैं वो सड़ गया होगा। इस घर को थोड़ा मुआयना कर लेते हैं। गेट है, देखते
गेट लगा हुआ है। हाँ सर खुलेगा सर, बाहर से अभी वो तो भी गया और बाहर इधर से इधर से ये था। अच्छा दरवाजा बंद था, हम पीछे की ओर से जा रहे हैं। वो देखिए वो उसी का है। किनका घर है? वो जो है। अच्छा इधर देखिए फटा हुआ है घर। हाँ हाँ पूरा घर ही फटा हुआ है। ठीक है ये फोर हुआ सर है, इसका घर भी ठीक है। अच्छा हाँ देखिए जी इनका बाहर से कुछ इस तरह घर दिखता है ये। हाँ सर वही है। अच्छा इसी का घर है इनका, देखिए हम लोग का। जोहार दीदी। जोहार दीदी कैसे हैं? ये आप ही के घर है? हाँ। अच्छा तो आपका लड़का लड़की नहीं है? नहीं, नहीं है। आप अकेले रहती हैं? हाँ। खाना पीना आप खुद पकाते हैं? हाँ सर। आप इधर आइए ना, इधर आइए ना। तो मतलब इनका कोई लड़का लड़की नहीं है? नहीं है सर, अकेले रहती हैं घर में। हाँ। तो रोजगार कैसे होता तब? रोजगार कैसे, उसका धान चावल है, खेती है, उसका खेती बाड़ी दूसरा आदमी को चास कराता है। और दूसरे आदमी को चास करवाता है, उसको जो मिलता है भाग उसी को हिस्सा लेकर के अपने उसको अपना बहन चलाता है, और बैल बकरी को अपना थोड़ा पूछता है, उसे से थोड़ा बेच करके अपना मेहनत करके अपना। अच्छा बैल बकरी भी पालते हैं? हाँ। तो अगर बीमार उमार पड़ जाए तो कोई देखने वाला नहीं? देखने वाला हम ही लोग उधर, मतलब गांव के लोग की सहायता करते हैं। आप लोग करते हैं ना? अपना इनका कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं सर। अच्छा ये आगे हैं, आप घर को देख लेते हैं। तो यहाँ आपका खाट यहीं लगा हुआ रहता है? हाँ सर यही सब। अच्छा इधर इधर आइए, सब सारा हो गया है। घर तो अच्छा था सर, लेकिन आदमी नहीं रहने से क्या होगा सर। ये देखिए जी यहाँ चूल्हा बना हुआ है मट्टी के। सर इधर देखिए, और देखिए घर का कंडीशन देखें, पूरा टूट फूट गया है, एकदम हालत खराब है। कोई नहीं है, ये आंटी के अकेले रहती हैं। देखिए आंगन में भी पूरा घास वास उग गया है। तो आपका पेंशन अप्लाई किए थे वो अप्लाई नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो मतलब आपको पेंशन नहीं मिलता। आपको उम्र लगभग कितना हो गया होगा? 60 पार हो गया कि नहीं? 60 साल होंगे तो दिन पिछन तो होते नहीं जमा को छे कोठा जी जैसे कागज तो। और मतलब आप पेपर जमा देते पेंशन के लिए तो मतलब आता पता नहीं वहाँ जमा देने के बाद? अच्छा ये इनका पासबुक है, तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इनको कोई मदद करना चाहें तो इनका मदद करें, क्योंकि इनके कोई भी जच्चा बच्चा नहीं, अकेले रहती हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन में, हालत ख़राब है। तो इनका कोई पेंशन भी अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, और अप्लाई किए भी है तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया ना क्या हो गया है। मतलब किसी भी तरीके से कोई पैसा इनकम का स्रोत नहीं है। जो इनका दो चार खेत है तो वो लोगों को दे देते हैं, उन्हीं से जो धान बनता है वही बेच बाच के अपना गुजारा करते हैं। तो आने वाला टाइम में अगर और भी स्थिति ख़राब हो तो इनके पास पैसा रहे कि अच्छे से इलाज भी कर पाएँ, तो प्लीज़ इनका मदद करें। मैं इनका अकाउंट नंबर जो है वो आपको दे दूँगा, वो डिटेल्स में। इनका नाम बता देता हूँ, काली दासो मुर्मू धवना के हैं, और मैं आपको ये अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे में दे दूंगा। तो जितना हो सके इनका आप मदद करें। आवास मिला था, पैसा भी उठा के सलाह ले गया कोई, मगर जो ऐसा उन्हें गाली मत दीजिए ना उसको मिस्त्री। देखिए ये लड़का है, इसका घर देखो टूटा फूटा हुआ आवास। तो यही घर है? हाँ यही घर। वो वाला साल देखिए ये अच्छा इन्हीं का लड़का है क्या? हाँ इसी का लड़का है। अच्छा अच्छा। और थोड़ा ये घर का भी कंडीशन देख लेते हैं। इनका भी घर पूरा टूटा हुआ है। ये इस आंटी के घर है, जो पुराना मकान जो था इधर, इधर देखिए पूरा धस गया, मट्टी का घर है। और इधर अभी ये सिर्फ ये वाला हिस्से के झोपड़ी में ये रह रहे हैं। और आपको पीछे दिखाएंगे, उधर मकान बना है, सरकार से दिए थे आवास, दिए थे 2018 में आवास आया था ना, 2018 में आवास आया था।
तो उस टाइम घर कंप्लीट हो गया था लेकिन ढलाई नहीं हुआ है ना जी, ढलाई नहीं हुआ है। तो मतलब ठेकेदार पैसा खा गया था क्या? अच्छा, तो तब सोते किधर है आप? रात को सोते कहाँ है? कहाँ अपना बिस्तर लगाते हैं? नीचे में? अच्छा, नीचे में। अब बच्चा लोग यहाँ चौकी में लगाते हैं क्या, जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी? और वही सिर्फ एक चूल्हा है? अच्छा, ऐसे कंडीशन में रहते हैं, मतलब आपका घर होके भी नहीं रह पाते हैं और आप नीचे में सो जाते हैं? ये नीचे तो पूरा अभी भीगा हुआ है पूरा। हाँ वही ना, तो ज्वर मतलब बोल रहे बुखार हो जाता है। हाँ, ऐसा कंडीशन में तो बुखार आइए जाएगा। तो बात दरअसल ये है कि मतलब ठेकेदार पैसा खा गया, ढलाई कंप्लीट नहीं हुआ, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है नहीं, कब डेथ किए थे? एक दो साल पहले? एक साल पहले ना, एक साल पहले डेथ कर गए हैं। तो इनका घर का स्थिति कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब कंडीशन ये ख़राब है कि मतलब घर में ये झोपड़ी में रह रहे और पानी चू रहा है और सिर्फ एक चाल के भरोसे में दिन और रात गुजार रहे हैं। तो आपका कोई अकाउंट लेके आइए, पासबुक लेके आइए। तो ये इस महिला के पासबुक हैं, मैं ये अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका नाम के साथ। इनका नाम हो गया बिलासी मुर्मू नाम है ना? हाँ, बिलासी मुर्मू नाम है। और अकाउंट नंबर में डाल दूंगा आपके आईएफएससी कोड भी। तो जितना हो सके इनका मदद कीजिए। देखिए जो हो गया हो गया, अब ऐसा कंडीशन में है, 10-20 रुपया 50 रुपया जितना हो लोग मदद करें और इनका घर का ढलाई कंप्लीट हो जाए जैसे। और सारा घर कंप्लीट है, सिर्फ ढलाई का काम बाकी है, तो ये आराम से रह सके। बस यही आप लोगों से विनती है और ये आंटी ये माता जी से बस यही उम्मीद का गुहार लेके मुझे यहाँ बुलाए हैं कि इनके मदद करें। तो भाई साहब ये कंडीशन हो गई कि जब मैं ये गांव आया, तो देखिए मेरा वीडियो का पर्पज़ यही रहता है कि आप लोगों को गांव दिखाऊं, गांव के लोगों को कल्चर दिखाऊं कैसा है नहीं है, तो यही रहता है। लेकिन ये गांव जैसे मैं घुसा तो लोगों ने मुझे घेर लिया कि कोई मीडिया से आया हुआ है ये, या तो कोई सरकारी संस्था के लोग हैं जो गाँव सर्वे कर रहे हैं। तो अपना अपना सब प्रॉब्लम लेके बैठ गए हैं, ज़्यादातर सब लोग नहीं, जो जो बहुत ही कंडीशन में ख़राब है, स्थिति ख़राब है, उन्हीं के बारे में दिखाया गांव वाले लोगों ने। अच्छा अच्छा मतलब ये काम है, तो जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया और इन लोगों को जो रियल जो कंडीशन है वो दिखाया, इन्होंने मदद का गुहार भी लगाया जो आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर थोड़ा बहुत इन लोगों को मदद कर दें तो इन लोगों की स्थिति और भी बेहतर हो सकता है। और इन लोगों को बहुत ही स्थिति ख़राब होने के चलते मैं ये वीडियो बनाया, नहीं तो वैसे मैं इस तरह वीडियो नहीं बनाता हूँ जैसे आप लोगों को पता है। तो बस यही है कि जितना हो सके मदद कीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, जो अकाउंट नंबर जो इस घर के सदस्य हैं उनका दिया हुआ रहेगा, तो उन पर जाकर जितना हो सके आप मदद कीजिएगा।